हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और नए लैपटॉप के साथ। पहले हमने एक अपलोड किया था एचपी एनवी, जो एनवी ने लॉन्च किया था 15.6 इंचेस के अंदर टच स्क्रीन में राइजन 5 और राइजन 7 के साथ। आज मैं लेके आया हूँ उसी सीरीज में एक अलग लैपटॉप इंटेल का। पहले वो तीन लैपटॉप थे एएमडी राइजन के साथ, अब मैं लेके आया हूँ इंटेल के साथ। एचपी ने उसमें 5 लैपटॉप लॉन्च किए हैं, 2 लैपटॉप हैं i3 के साथ, 2 हैं i7 के साथ, तीसरा है i7 के साथ लेकिन वो ग्राफिक्स के साथ है। तो मैं 5 लैपटॉप को आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, इसीलिए मैं 2 लैपटॉप जो FE0027TU और FE0028TU जो दोनों सेम है, दोनों i5 13 जनरेशन के साथ है, दोनों के स्पेक्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन का फर्क है, एक फुल एचडी एक ओलेड। पहले भी मैंने आपको बताया था जो राइजन 5 में भी उन्होंने लॉन्च किया था FE0015AU और 16AU, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन का डिफरेंस था, यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन का डिफरेंस है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए FE0028TU। आज हम ओलेड स्क्रीन वाला लैपटॉप अनबॉक्स करेंगे। पहले राइजन 7 हमने अनबॉक्स किया था, वो नॉर्मल स्क्रीन के साथ था, फुल एचडी 250 नीट्स के साथ। आज इसीलिए 2 लैपटॉप की ऑप्शन थी मेरे पास, FE0027TU और FE0028TU, दोनों की सेम स्पेक्स है, सिर्फ स्क्रीन का डिफरेंस है। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे FE0028TU को। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी हम ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। चलिए दोस्तों लैपटॉप ओपन करते हैं, प्रीमियम लैपटॉप खोलने का मजा ही अलग होता है। ये हमारा लैपटॉप है, मैनुअल है, पहले इसमें इस बॉक्स में से निकाल लेते हैं सब कुछ। ये आपका प्रीमियम पावर कोर्ड के साथ यूएसबी टाइप सी एडेप्टर है 65 वॉट पे सेम, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले कुछ दिन पहले एक अनबॉक्स किया था एनवी का राइजन 5, सेम वही चीज है, सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस है। तो ये रिचार्जेबल पेन है, आप इसी चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। ये आपका पावर कोड हो गया और ये आपकी मैनुअल, टाइम लगे तो आप पढ़ लीजिएगा। अब ये है हमारा लैपटॉप, कई बार तो ऐसा करता है हाथ धो के दोबारा ओपन करें, इतनी बढ़िया फिनिशिंग होती है, इतनी बढ़िया पैकिंग होती है लैपटॉप की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, अगर आप हमारी पीछे वीडियो देखेंगे आपको लिंक में उसका डिटेल मिल जाएगी। सेम कलर नाइटफॉल ब्लैक है, सब कुछ सेम है। क्वालिटी अगर मैं कहूं वही एनवी की क्वालिटी, एचपी अपनी क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मुझे इसलिए एचपी के लैपटॉप बड़े पसंद आते हैं। अगर आप देखेंगे इसकी स्लीकनेस, सब कुछ परफेक्ट है। लैपटॉप को ओपन करते हैं एक हाथ से ओपन नहीं होगा, अगर वॉबलिंग भी देखेंगे तो वॉबलिंग भी नहीं हुई इसके अंदर। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाऊं, कहीं भी आपको रोकते हैं तो वहीं खोलेंगे, वहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। आईमैक्स एनहेंस्ड के साथ है, इंटेल ईवीओ i5 13 जनरेशन। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उससे पहले देखते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स, इसमें कौन कौन से पोर्ट्स एचपी ने दिए हैं। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो जो सबसे पहला पोर्ट दिखाई देता है वो है यूएसबी का विथ एचपी स्लीप एंड चार्ज के साथ। दूसरा हमें पोर्ट दिखाई दे रहा है एचडीएमआई 2.1, जिससे आप प्रोजेक्टर और एलईडी भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको दिखाई देंगे 2 यूएसबी टाइप सी 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, जिससे आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। लैपटॉप के राइट साइड में देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है यूएसबी टाइप ए 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। दूसरा पोर्ट हमें दिखाई देता है हेडफोन और माइक्रोफोन का, जो 3.5mm जैक हम जिसे कहते हैं, जिससे आप एक्सटर्नल स्पीकर और हेडफोन माइक कनेक्ट कर सकते हैं। और एक हमें दिखाई देता है मल्टी फॉर्मेट एचडी मीडिया कार्ड रीडर। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू है हमारा 13 जनरेशन i5 1335U प्रोसेसर के साथ, जिसकी बेस स्पीड है 1.3 GHz और टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये बूस्ट अप होके जाता है 4.6 GHz पे। अगर हम कोर्स की बात करेंगे, 10 कोर का प्रोसेसर है, लॉजिकल प्रोसेसर 12 है और L3 कैशे है इसमें 12 MB की। देखिए ये प्रोसेसर है 10 नैनोमीटर का
और आप देख रहे हैं 10 कोर का प्रोसेसर। ये एक्चुअल में आपको इसमें मेरे को क्लैरिफाई करना ज्यादा जरूरी है, इसके अंदर 2 परफॉर्मेंस कोर आपको मिलते हैं और 8 एफिशिएंट कोर मिलते हैं। जो हमारी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ 2 कोर में ही यूज होती है, 4.6 GHz सिर्फ 2 कोर के लिए है। बाकी 8 कोर के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 3.4 GHz। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, अगर आपका मल्टीटास्किंग ज्यादा होती है, आपको 4 कोर का प्रोसेसर चाहिए होता है परफॉर्मेंस कोर, तो ये सिर्फ 2 कोर का प्रोसेसर है जो इसमें एचपी ने आपको दिया है। इसकी टीडीपी भी मैं आपको बता दूं, जो इस प्रोसेसर की टीडीपी है वो 15 वॉट की है। मेमोरी की अगर बात करेंगे तो इसमें DDR5 RAM आपको मिलती है 5200 MHz, 2 स्लॉट्स हैं, दोनों ही यूज्ड हैं। ओपन करके देखेंगे कि इसमें ऑनबोर्ड है या रैम लगी हुई है जो आप अपग्रेड कर सकते हैं। डिस्क की बात करेंगे, SSD इसमें 512 GB इंटेल की लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी आपको 477 GB की मिलती है। वाईफाई की बात करें, Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 आपको इसमें मिलता है। स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका राउटर अच्छा होना चाहिए बस। ग्राफिक्स इसमें इंटेल आईरिस XE ग्राफिक्स आपको मिलता है। इसमें आपकी डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी एक भी नहीं होती, 1 MB भी नहीं होती, वो जीरो होती है। इसमें सिर्फ शेयर्ड GPU मेमोरी होती है, जो आपका 7.9 GB है। टोटल आपकी 7.9 GB मिलती है। इसकी मैक्सिमम ग्राफिक्स फ्रिक्वेंसी होती है 1.25 GHz की। इसमें अपनी जैसे AMD के अंदर 512 MB डेडिकेटेड ग्राफिक्स आता है, इसमें कोई भी नहीं होती है डेडिकेटेड ग्राफिक्स। अभी तक जो आप वॉइस सुन रहे थे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की, वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी गई है। इसका हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आपको इसके माइक की क्वालिटी भी पता चल जाए। अगर हम डिस्प्ले की बात करेंगे तो FE0028TU 15.6 इंचेस फुल HD स्क्रीन, रिजोल्यूशन 1920x1080, ऑलइन स्क्रीन आपको मिलेगी, मल्टी टच एनेबल्ड, UWVA, S2H ग्लास, माइक्रो एच, लो ब्लू लाइट और 400 निट्स, HDR 500 निट्स और 100% sRGB के साथ आपको स्क्रीन मिलती है। HP इसमें वाइड विजन 5 MP IR कैमरा देता है विद टेम्पल नॉइस रिडक्शन के साथ, और इसमें आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स, और इसमें आपको मिलता है प्राइवेसी शटर जो मैनुअल है, बटन्स के साथ नहीं ऑपरेट होता है। आज हमने अनबॉक्स किया FE0028TU को। इसमें सेम मॉडल आता है FE0027TU, जिसके अंदर सिर्फ स्क्रीन का डिफरेंस होता है। इसी सीरीज के अंदर 2 मॉडल और हैं, FE0030TU, FE0032TU। वो दोनों लैपटॉप एनवी जो आते हैं i7 प्रोसेसर के साथ आते हैं, और एक मॉडल और है FE0014TX जो ग्राफिक्स के साथ आता है i7 प्रोसेसर में। ये 5 लैपटॉप HP ने लॉन्च करे हैं अपनी सुपर प्रीमियम एनवी सीरीज के अंदर। पांचों में डिफरेंस है, दो का आज हमने आपको बता दिया, FE0027TU और FE0028TU। बाकी भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 3032 के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 14TX के बारे में। आप इसके अंदर टच स्क्रीन है तो ड्रॉइंग्स वगैरह आपको करनी हो, नोट्स बनाने हो, तो उसके साथ उसके लिए आपको इसमें HP का पेन भी मिलता है। ये आपको पेन मिलेगा जिससे आप इसकी स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। टच स्क्रीन को 360 डिग्री फोल्ड हो जाता है, आप इसको 360 डिग्री फोल्ड करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, बात करेंगे आप इसकी प्राइसिंग की, तो जो आज हमने ओपन किया FE0028TU, उसकी प्राइस जो HP ने लॉन्च करी वो है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। जो ये प्राइस रेंज है, उस प्राइस रेंज के अंदर ये लैपटॉप बहुत ही बेटर है। लेकिन इस लैपटॉप को लेने से पहले आप राइजन 5 का जो HP ने लॉन्च किया है NV सेम सीरीज में, वो जरूर देखिएगा, FH0015 और 16। जो आज हमने कंपेयर किया है, जो ओपन किया है FE0028TU, उसका कंपैरिजन आता है FH0016AU के साथ। तो जब भी आप लैपटॉप परचेज करने से दोनों का कंपैरिजन एक बार जरूर देखिएगा। HP इसके साथ 1 ईयर की वारंटी देता है, अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो एक्सटेंड करा सकते हैं, टाइम टू टाइम HP इसके साथ ऑफर देता रहता है। टच स्क्रीन लैपटॉप है, इसीलिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं, जब भी आप टच स्क्रीन लैपटॉप लें, स्पेशली NV, तो उसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जरूर लें। और मैं ये भी कहता हूं, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन आप हमेशा HP से ही लीजिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन कभी मत लीजिएगा, आपको वारंटी नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम आती है
साथ में इंश्योरेंस का आप कंपेयर करने की कोशिश मत करिएगा। इंश्योरेंस पे कहते हैं डैमेज की प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन वो बहुत मुश्किल आती है। आपका वर्किंग होती है और आपको अगर लैपटॉप कहीं से कोई डैमेज हो जाए, आपको एक महीने सबमिट करना पड़े, एक महीने बाद आपको आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसमें भी आपको 50% पेमेंट देनी पड़ जाएगी। इसीलिए मैं ये कहता हूं, कभी भी एचपी की वारंटी के अलावा कोई वारंटी मत लीजिएगा। एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन जरूर पूछिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन वो 3 साल के लिए आपको मिलती है, आपके लिए बहुत बेटर रहता है। एक बात लास्ट में मैं और कहना चाहूंगा, जब भी आप लैपटॉप लें, हमेशा एचपी वर्ल्ड पे जरूर जाइएगा। एचपी वर्ल्ड पे काफी ऑफर्स होती हैं। मैं ऑनलाइन लैपटॉप कभी भी प्रेफरेंस नहीं देता हूं, ऑलमोस्ट प्राइसेस सेम रहती है। अगर आपको ये देख रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो हमने ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन बनाई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर हम कोई कुछ ना कुछ कवर करना भूल गए हो तो आप हमें वो भी बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियोस में हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।